जी शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे ट्रेनिंग के मतलब? माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। चार दिनों में पूरी गाड़ी आपने सीख ली। तो ये इलाका कैसा लग रहा है आप जिधर आज आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं? इलाका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बादल भी है और साथ में धुंध भी है, अच्छे अच्छे व्यू हमें दिखने को मिल रहे हैं। चार दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा या सारी सीख ली? बस सारी सीख ली। सारी सीख ली है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेहतरियाँ आती जाएंगी, प्रैक्टिस परफेक्ट करती जाएगी। तो सीख के कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। मतलब चार दिन का टारगेट दिया था और चार दिन में आपको ये पत्थर था ना, ये जो पत्थर होता है ना, इसको टायर के नीचे नहीं दिया जाता, सेव करते हैं बंदा पत्थरों को, मेड में कर लेते हैं। ठीक है, पत्थरों को सेव करना है ये आपको। ये अगर स्केट कर जाए टायर के नीचे आता है ना, तो स्लिप होके किसी दूसरी गाड़ी को लग सकता है, अपनी गाड़ी को लॉस दे सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि पत्थर टायरों के नीचे ना आए। स्टीयरिंग की समझ आई है जी? गुड। कितने बड़े बड़े मोड़ थे, इजीली आपने हैंडल कर लिए। उसमें जो पॉइंट मैंने आपको समझाए थे आपने उनको फॉलो किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, ये बड़ा पत्थर है, इसको साइड पे कर लें। गुड। ये दो लाइनें हैं, वाइट लाइन और येलो लाइन। वाइट लाइन फुल लाइन दी गई है, यहाँ पे ओवरटेक करना ममनू है। ओके, येलो लाइन से आपने नीचे नहीं जाना है, लाइनों के अंदर रह के आप ड्राइव कर रहे हैं। माशाल्लाह अच्छी कर रहे हैं ड्राइविंग, इन्हीं को फॉलो करना है आपने। ठीक है ना, और लगा अभी दूर तक जाए आपकी एस शाह साहब माशाल्लाह से बेहतर हो गए हैं जी, परफेक्ट होने के लिए इंशाल्लाह। आपको जो जो गाड़ी चलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट होते जाएंगे। वो सामने का व्यू बहुत प्यारा लग रहा है हमें जी। इस तरह के ट्रैक पे जब भी आप आएँ तो आपने एक तो लाइन नहीं छोड़नी होती है, और दूसरा क्या करना होता है जी, नगा आपकी हैंडलिंग करते हुए नगा दूर तक जानी चाहिए। ओके, ताकि आप मेंटली तौर पे तैयार हों आने वाली हालात के साथ। ठीक है ना,